पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के कायदे सदर चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA और जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार भट्ट साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया हाउसेस, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काबिल एहतराम साथियों को मुतला किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE के 25 अगस्त 2020 के बाद नए अहदेदारान की नामजदगी के लिए किए गए तमाम फैसले कालेदम और मुअत्तल कर दिए गए थे। इसके बाद भी आज मोरगा 19 अक्टूबर 2020 तक जो भी फैसले किए गए उनकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं और ना ही मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में कोई भी फैसला, जब तक UAE के सीनियर मेम्बरान और गल्फ रीजन के सदर और जनरल सेक्रेटरी कोई फैसला नहीं करते उस वक्त तक किसी नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। लिहाजा तमाम नए अहदेदारान बशमूल शारजा, दुबई, रासुल खैमा और उम्मल कवीन के सदूर, चेयरमैन, चीफ कोऑर्डिनेटर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर अहदेदारान के जारी करदा तमाम लिखे हुए जबानी हर किस्म के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE की मौजूदा कारकर्दगी और गैर मुतल्लिका अफराद की पार्टी उमूर में मुदाखलत के बारे में सीनियर कायदीन की शिकायत का तफसीली जायजा लिया गया और तमाम कायदीन इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नजर आए कि चंद अफराद अपने ज़ाती मफादात की खातिर पार्टी का इत्तेहाद पारा पारा करने के दर पर हैं। लिहाजा कायदीन इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त पार्टी के मामलों में गल्फ रीजन के कायदीन को अपना किरदार अदा करना होगा। गल्फ के कायदीन ने इन अहदेदारान को ताहुकम सानी अपना काम जारी रखने की ताकीद की, जिनके अहदों के नोटिफिकेशंस मोहतरम इसहाक डार साहब ने इस बरस अगस्त में जारी किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयान ये और विजन को दुनिया भर में बाहर सूरत फैलाने का अहद किए हुए हैं। लिहाजा तमाम कारकुन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें और कायदीन के फैसलों का इंतज़ार फरमाएं।